हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न फिल्म ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में, जहां पे हम बात करते हैं फिल्मों की, उसकी टेक्निक्स की और किस तरह से आप खुद से भी इनिशिएट लेके एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, इस चीज़ के लिए आपको सारी वीडियोस देखने होंगे, जानना होगा कि आखिर वो कौन सी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, सजेशंस हैं और कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं सिनेमा में जिसको देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे वीडियो एडिटिंग के ही सीरीज़ में एक सबसे बेसिक लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट के बारे में। वैसे बेसिक इम्पॉर्टेंट तो सारे होते हैं, लेकिन जब एडिटिंग की शुरुआत होती है तो उसका एक बेसिक जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि आखिर एडिटिंग की शुरुआत कैसे होती है और किस लॉजिक पे, यानी कि किस साइंटिफिक अप्रोच पे हम आजकल एडिटिंग करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जक्स्टापोजिशन के बारे में। एक ऐसा कॉन्सेप्ट, जब भी आप वीडियो एडिटिंग पढ़ना सीखना शुरू करते हैं तो ये सबसे एक बेसिक स्टेप है जिसको बताया जाता है। तो बात करते हैं जक्स्टापोजिशन के बारे में, क्या होता है जक्स्टापोजिशन और फिल्म मेकिंग में उसका क्या रिलेवेंस है। जक्स्टापोजिशन, अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखेंगे तो ये दो इसमें वर्ड आपको छुपे हुए मिलेंगे। पहला है जस्ट और दूसरा है पोजिशन। पोजिशन का मतलब हम सबको पता है, किसी भी चीज का पोजीशन यानी कि उसका स्थान। जस्टा पोजीशन यानी कि किसी भी एक फुटेज के बराबर में हम कौन सा फुटेज लगा रहे हैं। आखिर ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? वैसे तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट टर्म हमें आज के समय पे ये नहीं फील होगा, लेकिन जब एडिटिंग की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त इसमें दो टर्म हम लोग यूज़ करते हैं। पहला है लीनियर एडिटिंग, दूसरा है नॉन लीनियर एडिटिंग। खास तौर से जब आप स्क्रिप्ट्स को लिखते हैं तो आपने, या जब भी आप फिल्म देखते हैं तो एक टर्म, अगर आपने थोड़ा बहुत अवेयर होंगे तो आपको टर्म मिलता होगा कि इस फिल्म की जो स्टोरी है वो लीनियर स्टोरी है, ठीक है। और कभी कभी आप वर्ड सुनते होंगे कि ये नॉन लीनियर स्टोरी है। तो ये आखिर ऐसा होता क्यों? लीनियर स्टोरी का मतलब है कि सपोज़ मेरी कहानी आज सुबह शुरू होती है और आज रात तक की कहानी या शाम तक की कहानी मैं अपनी फिल्म में दिखा रहा हूँ, तो यानी कि जो इसका ट्रांजिशन है सुबह के 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से करते करते शाम के 6 बजे तक ये मेरी स्टोरी चलनी है और इसी सारी चीज़ों को मैंने कंपाइल किया है। यानी कि जो इसका एक सूत्रधार है, अगर हम इसको बोलें, अगर इसका जो फार्मूला है वो कुछ वैसा है कि सारे इवेंट एक सीक्वेंस में हो रहे हैं। तो क्या होता है नॉन लीनियर स्टोरी? नॉन लीनियर जहाँ पे हो सकता है मेरा जो कैरेक्टर है वो बात कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, किसी एक्स वाई जी इंसिडेंट के बारे में जो हो सकता है कल हुआ हो या होने वाला हो। तो यानी कि जब भी हम लोग फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड, अगर इस तरह के टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं अपने सिर्फ सीक्वेंस में ही नहीं, पूरी की पूरी स्टोरी में, हम स्टोरी से कभी कभी अभी का जो हमारा प्रेजेंट टाइम है, जो टाइम और स्पेस को जब हम ब्रेक करके दूसरे जगह पे हम जब आप जंप कर रहे हैं और स्टोरी हमारी आगे पीछे उसमें रिवॉल्व हो रही है। ये ज़्यादातर नॉन लीनियर स्टोरी को आप अगर समझना चाहें तो आप आजकल के वेब सीरीज से समझ सकते हैं। एग्जांपल मैं अगर लूँ तो आपने पाताल लोक देखी होगी। पाताल लोक में जो हमारा हथौड़ा त्यागी है का जो कैरेक्टर है वो ब्रूटल है, वो क्रिमिनल है, वो सबको पता है। फिर अचानक से स्टोरी में हथौड़ा त्यागी का एक बैक स्टोरी निकल के आता है। अब ये क्या हो रहा है? ये एक नॉन लीनियर फार्मूले पे चल रहा है। अब दोबारा आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो है जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट ये टर्म बनता है एडिटिंग में, क्योंकि इस टर्म के माध्यम से हमने नॉन लीनियर वे में एडिट करना शुरू किया। पहले जितनी भी फिल्म्स बनती थी वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स पे बनती थी कि एक आदमी कभी कुछ कर रहा है, उसके बाद वो सेकेंड इंसिडेंट पे गया, थर्ड इंसिडेंट पे गया। लेकिन जक्स्टापोजिशन में हमने क्या किया कि हमने अपने रील को लिया और उसको कट करके इंटरचेंज करके हमने लगाना शुरू किया, तो हमने देखा कि इसका जो नैरेटिव स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, यानी कि लीनियर से नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। तो जक्स्टापोजिशन सिर्फ एक प्रोसेस है, एक फुटेज के बाद अब दूसरा फुटेज कौन सा आप लगा रहे हैं, कौन सा फुटेज लगा रहे हैं, उससे क्या आप इंफॉर्मेशन यानी कि स्टोरी में क्या आप एक्स्ट्रा फ्लेवर आप ऐड कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जक्स्टापोजिशन, ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि दो फुटेज को साथ में लगाने से मात्र
उसकी स्टोरी टेलिंग कितनी डिफरेंट हो जाती है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है। यानी कि आपकी ये स्टोरी का सिर्फ फ्लेवर ही नहीं, कभी कभी ये आपका मीनिंग भी चेंज कर देता है। यही एक एक्सपेरिमेंट जो है ये किया गया लव कुलछवो, ये एक फिल्म मेकर थे, इन्होंने जब इसको एक्सपेरिमेंट किया तो एक आदमी का एक न्यूट्रल एक फेस लिया सेम एक्सप्रेशन के साथ। उन्होंने जब पहला फुटेज लगाया वो एक इंसान का लगाया जो कि एक न्यूट्रल फेस से आपको देख रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि वो किसी एक चीज़ की ओर देख रहा है। दूसरा फुटेज जब उस पर लगाया गया तो हो सकता है कि एक प्लेट पर कुछ खाने का सामान रखा गया है या सूप रखा गया है, तो वहाँ से एक हंगर जनरेट होता है, ऐसा लगता है कि ये इंसान शायद इस चीज़ को खाना चाहता है, ठीक है। वैसे ही जब एक काउच पे और एक लेडी है एक लस्टफुल पोजीशन में लेटी है, और जब अब उस फुटेज को हमने उसके साथ अलाइन किया तो वहाँ से लस्ट डिराइव होता है। वहीं तीसरी बार जब हम देखते हैं कि एक कफिन यानी कि एक लाश है जो कि उसके सामने एक कफिन में रखी हुई है, और जब हम उसी फुटेज के साथ उसको देखते हैं तो वहाँ पे एक इमोशन हमारा डिफरेंट हो जाता है, हमें लगता है कि वो सैड है। तो अब आप जान सकते हैं कि एक जक्स्टा पोजिशन यानी कि जब हम सोचते हैं कि हमें क्या इससे इन्फॉर्मेशन चाहिए इस सीक्वेंस से, और जब हम अपने फुटेज को बहुत मीनिंगफुली अलाइन करना शुरू करते हैं तो उसका नैरेटिव भी चेंज हो जाता है। इसीलिए ये जो टर्म है ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको जानना चाहिए। और एडिटिंग करते वक्त अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप क्या बना रहे हैं, क्योंकि जब हम अपने नए वीडियो में मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो एडिटिंग का हमारा होगा वो मॉन्टाज का होगा। तो मॉन्टाज को समझने के लिए जक्स्टापोजिशन का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए। इसका सिर्फ मतलब ये है कि एक के बाद दूसरी फुटेज आप क्या लगाते हैं और उससे क्या मीनिंग डिराइव होता है। तो जक्स्टापोजिशन ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत ही एक साइंटिफिक टर्म है जिसको कुछ अलग से होता होगा, ये बिल्कुल ही सिंपल है। इसका मतलब सिर्फ इतना है जब आप प्लानिंग के तहत आप अपने दो फुटेज को अलाइन करते हैं ताकि आप एक मीनिंगफुल नैरेटिव अपने दो शॉट से या एक सीक्वेंस से जब आप डिराइव कर पाएँ, वो स्टोरी अपना नरेट कर पाएँ, तो उसको कहते हैं जक्स्टापोजिशन, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मॉन्टाज के बारे में कि मॉन्टाज क्या होता है, जक्स्टापोजिशन को ही यूज़ करते हुए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉन्टाज बनाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि अपने एडिटिंग को हम लोग और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो इतना ही था आज के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये आसान भाषा में बिल्कुल समझाया गया है और बिल्कुल आसान है, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी स्टोरी वगैरह में लगाइए, इसको एक अच्छा तरीका है थोड़ा सा बढ़ाने का फैलाने का, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कंटेंट फिल्म रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करवा पाएँ। आपको हम YouTube पे कंटेंट तो देते ही हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे शॉर्ट टर्म बहुत ही रीजनेबल कोर्सेज भी हैं। अगर आप चाहते हैं एक पर्सनलाइज ट्रेनिंग लेना चाहते हैं फोटोग्राफी में, सिनेमाटोग्राफी में, फिल्म डायरेक्शन में, एडिटिंग में, एक्टिंग में, तो आप आइए, लर्न फिल्म ऑनलाइन के शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप ले सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल हैं। आप आइए हमारे साथ जुड़िए, और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।